माननीय प्रधानमंत्री को, जिसको आप सबने वोट देके गुजरात से दिल्ली भेजा, कैसे भेजा? हिंदू की रिपोर्ट आई, वो हिंदू न्यूज़पेपर जो मुंह भर भर के गाली लिखता है हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हिंदू न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई 2019 की, चुनाव जीतने के 23 मई को चुनाव जीते, 29 मई की रिपोर्ट थी, 6 दिन बाद, कि 18 से 22 वर्षीय के जो मतदाता है, और विचारधारा कैसे बनती है, पढ़ के बनती है, और अगर आगे कोई 3-5 करेगा इस बात को लेके तो मुझे पसंद नहीं आएगा। दैट वॉज माई इन्फॉर्म्ड आइडियोलॉजी। मुझे याद आया कि जब करप्शन के केसेस में वी वर डिस्कसिंग, जब कांग्रेस के करप्शन के केसेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट प्रदर्शन निकाला था, तो वाटर कैनन हमारे पे डाले गए थे। द इवेंचुअलिटी ऑफ इट ऑल वॉज कि कईयों के कपड़े फट रहे थे, कईयों के जूते खो गए थे, हमारे बाकी साथी कहां थे किसी को कोई खबर नहीं थी, आधे डिटेन हो गए थे, हालत बहुत बुरी थी। सही चीज के लिए आवाज उठाना, गलत के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी उस टाइम पे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में हम लोगों ने क्या थपेड़े खाए हैं, डंडी लाठी सब कुछ, वाटर कैनन तो मेरे पे ऐसे पड़ा, मैं पतली दुबली सी हूं तो करीब करीब 5 मीटर आगे जाके मैं पड़ी। तो ये सब हमारा पास्ट है। मैं आपको क्यों बताना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि युवा पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से आप जाके वोट देते हैं। देखिए, मैं राष्ट्र प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, मुझे करीबन 14 साल का एक्सपीरियंस टेलीविजन का है, विद्यार्थी परिषद के होने के नाते, डूसू की अध्यक्षा होने के नाते, दिल्ली में रहने के नाते मेरा टीवी से वार्तालाप बहुत पुराना है, बहस में मैं बहुत बहुत साल होते 23-24 साल की उम्र से बहस में हिस्सा लेती आ रही हूँ। मुंह भर भर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को, जिनको आप सबने वोट देके गुजरात से दिल्ली भेजा, कैसे भेजा? हिंदू की रिपोर्ट आई, वो हिंदू न्यूज़पेपर जो मुंह भर भर के गाली लिखता है हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हिंदू न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई 2019 की, चुनाव जीतने के 23 मई को चुनाव जीते, 29 मई की रिपोर्ट थी, 6 दिन बाद, कि 18 से 22 वर्षीय के जो मतदाता है, और विचारधारा कैसे बनती है, पढ़ के बनती है। मेरे फादर का ओपिनियन ये था कि तेरे मार्क्स अच्छे हैं, पहले बाहर जाके पढ़ के आ। मुझे समझ नहीं आया क्यों भेजना चाह रहे हैं, बिकॉज ही वॉन्टेड मी टू सेल्फ एजुकेट माई सेल्फ एज टू हाउ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्यूज माई कंट्री। माई फादर, ऑब्वियसली योर पेरेंट्स नो यू बेस्ट, ऑलवेज न्यू कि मेरे अंदर वो कीड़ा है, मैं भारतीय हूं, इस चीज के ऊपर मुझे गर्व है, और अगर आगे कोई 3-5 करेगा इस बात को लेके तो मुझे पसंद नहीं आएगा। दैट वॉज माई इन्फॉर्म्ड आइडियोलॉजी। बचपन से न्यूज देखने की आदत थी, इसी के चलते मैं युवा राजनीति में, स्टूडेंट एक्टिविज्म में घुस गई। मैं बाहर गई 2010 के अंदर, मैं एलएलएम करने गई। जब मैं 2010 में बाहर गई तो सितंबर 2010 के अंदर हमारा ओरिएंटेशन हुआ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। इन माय क्लास वी हैड 180 नेशनैलिटीज थी। द डीन टोल्ड अस के एक कंट्री के दो सिटीजन ना आगे पीछे बैठेंगे ना अगल बगल बैठेंगे, तो एकदम से हड़दम मच गया। वी हैड टू चूज के आगे पीछे अगल बगल बैठने वाला इंसान इंडिया से नहीं है। मैं बैठी, फिर उन्होंने काउंट करना शुरू किया। जब इंडिया की बारी आई तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया कि इंडिया, इट वॉज अ रेज ऑफ हैंड कॉल कि इंडिया से कौन कौन है। हम 6 थे इन अ क्लास ऑफ 233 पीपल्स। मैंने हाथ खड़ा किया, मेरे पीछे इसराइल की बैठी थी, इसराइल हैज बीन अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ इंडिया, उसका नाम नताशा था। मेरा कंधा पकड़ के, जैसे ही मैंने अपना हाथ ऊपर किया, कंधा पकड़ के कहती है आई एम सो सॉरी। मैंने कहा व्हाट आर यू सॉरी फॉर? कहती तो करप्शन, वो सितंबर 2010 की बात है जब हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे। कॉमनवेल्थ अब किसके हैं, कॉलोनी किसके थे, इंग्लैंड के, एलएसी का है, लंदन के। ऑल फ्रंट पेजेस ऑफ ऑल मेजर न्यूज पेपर्स देयर, 24 न्यूज ऑन बीबीसी इन लंदन वॉज ऑल अबाउट कि 40 रुपए का एक टॉयलेट पेपर रोल देश की कांग्रेस की सरकार 40,000 रुपए में खरीद रही है। रैम्पंट करप्शन, चोरी मचाई हुई है। जब एक
ओरिजिनली डिप्लोमेटिकली एक फ्रेंड स्टेट इसराइल की लड़की मेरा कंधा पकड़ के कहती है आई एम सो सॉरी बिकॉज ऑफ द रैम्पेंट करप्शन. गाली पड़ रही थी 24 घंटे हमारे को इंग्लैंड के अंदर. मुझे बहुत बुरा लगा. मेरा इतना छोटा सा मुंह हो गया. आई फेल्ट एम्बैरस्ड.